नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्शन तिवारी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो ये है हमारा 100 डेज 100 टेम्पल विजिट चैलेंज का 31वां दिन। तो जैसे कि आप सभी को बताया, हम लोग आए हैं पिथौरागढ़। तो आज हम आप सबको लेके जाने वाले हैं ये यहाँ। तो ये है पिथौरागढ़ का मोस्ट फेमस मंदिर, मोस्टा मानू मंदिर। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह मंदिर अंदर से कैसा है और इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है। तो यह मंदिर बनाने में कुछ इतना औसम बना रखा है, इसका जो गेट है वो कितना भव्य है। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं पहले अंदर और जानते हैं इस मंदिर का पूरा इतिहास। तो यहाँ पर लिखा है इस मंदिर का पूरा इतिहास। तो चलिए आप सबको सबसे पहले दिखाते हैं। अगर आपको इस मंदिर का इतिहास जाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। इसमें लिखा है पिथौरागढ़ शहर के अधिकांश देव स्थलों में से एक है। मंदिर मुख्य शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। पिथौरागढ़ किले के नज़दीक स्थित इस पहाड़ी मंदिर में पूरे शहर और ऊँची घाटी का एक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध छोड़ने के लिए निश्चित है। मंदिर का परिसर बड़ा है और आप यहाँ पर गुणवत्ता का समय बिता सकते हैं। मंदिर का निर्मल वातावरण आपको शरीर और आत्मा को फिर से जीवित बनाने के लिए निश्चित है। क्या बात कर दी। सो ये है इस मंदिर का मुख्य गेट और इस मंदिर का स्ट्रक्चर इतना तगड़ा है कि ऐसे गेट ऐसे बनाकर एक गेट, दो गेट, तीन गेट ऐसे करके भी पूरा पीछे तक और फिर वहाँ से ऐसे डाउन में। टूटा है यहाँ पे, इतना मस्त व्यू आ रहा है। यह है मंदिर का मेन मुख्य मंदिर। यहाँ पे इतनी बढ़िया लोकेशन है और ये गेट जो मैंने आपको दिखाया पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए सबसे पहले आपको करवाते हैं मोस्टा देवता के दर्शन। यहाँ पे खुलता भी है। हम सबसे पहले आकर करते हैं इस मंदिर की परिक्रमा और यह मंदिर के अंदर विराजमान है हमारे महादेव शिव जैसे एक शिवलिंग। बट इस मंदिर का नाम मोस्टा देवता मंदिर है। यहाँ पर मोस्टा देवता की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि मोस्टा देवता ही इस पूरे पिथौरागढ़ की रक्षा करते हैं। तो जय हो मोस्टा देवाय नमो, ओम मोस्टा देवाय नमो। यहाँ पे इसी मंदिर का उच्चारण करते हैं सभी भक्तजन, ओम मोस्टा देवाय नमो। ये श्रद्धा से बात रहे जय हो। फाइनली गाइस हमारे देवता के दर्शन हो गए और यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे पिथौरागढ़ की रक्षा मोस्टा देवता ही करते हैं। अगर आप लोग पिथौरागढ़ कभी भी आ रहे तो आप इस मंदिर को जरूर विजिट करें और यहाँ पर मोस्टा देवता के दर्शन करने के बाद ही अपनी पिथौरागढ़ की पूरी यात्रा को स्टार्ट करें। तो हम अभी यहाँ आया तो इसके बाद हमने अभी पूरा पिथौरागढ़ घूमना है तो हम यहाँ से अभी व्यू का चले रहे हैं। तो ऑसम सा व्यू है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, और मंदिर का व्यू कुछ ऐसा है। तो ये है मुख्य मंदिर यहाँ का और ये यहाँ का गेट। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम पंडित जी तो है नहीं, बट हम सोच रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ लोकल अंकल जी वह हैं उनसे हम बात करते हैं और इस मंदिर का कुछ इतिहास पता करते हैं कि कब से यह मंदिर यहाँ
स्थित है और कैसे यह मंदिर यहाँ स्थित हुआ और कब इसका जो निर्माण हुआ है इतने अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। तो चलते हैं फिलहाल अंकल जी से बात करते हैं। पहले के बारे में तो हमने तो भैया ऐसा ही देखा। जैसा अभी है ऐसा ही देखा। अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है। वैसे ये मंदिर जो है महाकाली का स्थान हुआ है। अच्छा, मेन मंदिर महाकाली का, माता महाकाली का हुआ। अच्छा, और जो मोक्षा देवता का मतलब मोक्षा देवता ऐसा हुआ देवता जो हुए, ये जगह का नाम माता का जगह है, ये जगह जो हुई मानव की जगह हुई। अच्छा, मानव इस जो मोक्षा देवता हुए नेपाल से आए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, नेपाल से आए हुए हुए तो हाँ जी हाँ वो कुछ देख हाँ वो नीचे जो पहले वो हुआ करता था बड़े बड़े पत्थर होंगे उसके अंदर ऐसे नेपाली लोग आए होंगे वहाँ रात को ऐसे पहले आने वाले वो डोका लाते थे अपने। अच्छा, उसमें सिलबट्टा लाए बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सिलबट्टा लाए थे जब रात को खाया पिया उन्होंने उसके आप सुबह चंदे लगे बोलते हैं तो अब सिलबट्टा रखने लगे तो सब रख दिया उसमें अब उठाए तो उठे। अच्छा, अब उठाए ना तो इसलिए वो जो पट्टा था वो हाँ वो यहाँ पर रखा। अच्छा, अभी भी यहीं पर ही है। बहुत ट्राई करने के बाद अच्छा नहीं उठा जब उसने सामान खाली किया एक एक करके भरता रहा उठाता रहा जब उसको लास्ट में उसने उसको रखा मानो नहीं अच्छा। तो उसने उसको ऐसे ही रखा चुपचाप डर गया वो कि ऐसा क्या हो गया कि उठ नहीं ऐसा क्यों हो गया उसने वो रखा चुपचाप चला गया। अच्छा अच्छा, बोलते हैं तीसरे दिन सपना हुआ किसी पूर्वजों को हमारे तो ऐसी ऐसी बात है माता ने दर्शती है। अच्छा, समय तो तपस्या भक्ति थे इतनी थी आप तो नहीं हो पाता सही बात तो कुछ नहीं होता। तो वो पत्थर अभी भी यही है वो तो यहाँ अंदर कहाँ ये वाला ही है अंदर स्थापित हुआ। अच्छा, अंदर स्थापित जिसको उठाते हैं मतलब मैं सोच रहा था कि वो तो उठाने वाला तो ये रहा ना। अच्छा, ये उठता नहीं है बोल रहे हैं ऐसे ना ऐसे नहीं उठता फिर एकदम उठ भी जाता है नहीं भी उठता है। तो मैं ट्राई कर सकते हैं उठाने की उठा सकते हैं आप भी। अच्छा, ऐसा होता है आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, अगर उठ गया तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अंकल जी धन्यवाद बहुत आपका। ऐसा कि अंकल जी ने बताया तो ये पत्थर वही है इसको उठाने का ट्राई करते हैं। तो सोमदा जिम वाले हैं उठ जाएगा तुमने उठा के देख लिया एक बार देखो तो सही नहीं नहीं भैया उठा दे रहे ना मुझे हाथ लगाते फील हो रहा है कि नहीं उठाऊंगा। सो गाइस फाइनली
हमें इस मंदिर का थोड़ा हिस्ट्री पता चल गया, बट हमें जो ये पत्थर वाला कॉन्सेप्ट था ये बहुत अलग लगा। शुभम दा ने इतना ट्राई किया बट उन्हें इतना उठा दिया था। पहले तो मुझसे स्टार्टिंग हिला ही नहीं मुझसे वो। हाँ, उसके बाद दूसरे वाले में मेरे को मतलब ऐसे टच करते ही लग रहा था, मैंने तेरे बस की नहीं छोड़ दी। फिर मैंने कहा यार श्रद्धा से ही उठ गया उतारे, मैंने कहा चलो का नाम लो, का नाम जपो और उठ जाएगा। उठ गया मुझसे, उठ गया। सो गाइस इसीलिए हाँ, जहाँ साइंस की सोच खत्म होती है वहाँ पे हमारे प्रभु की माया स्टार्ट होती है। तो हमें अभी अभी ये भी पता चला कि यह मंदिर काली माता को क्या बोलते हैं, मैं सब बोलता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी भी हमें पता चला कि यह जो मंदिर है यह काली माता को समर्पित है। तो उन्होंने बताया अभी कौन कौन है, चाइना का मैन है, कौन है चाइना में, बॉलीवुड चाइना मैन। अच्छा सो गाइस यहाँ मुझे दिखा एक बहुत औसम सा झूला, तो मेरा मन कर रहा है कि इसे झूला जाए एक बार। ये तो कर रहा था, ये तो अरे कौन सा वाली कर रहा है, छोड़ हमने कर चलो। सो गाइस फाइनली सोमदान इनकी बॉल खोदी बच्चों की और अब हम चुपचाप से घर को जा रहे हैं, बट बच्चे ने छूट रहे, बच्चे जंगल से बॉल ढूंढ के ले आए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस से अपने होटल को, और एक बार आपको फिर से दिखाते हैं ये मंदिर। तो चेक दिस आउट गाइस, क्या ऑसम लोकेशन में बना हुआ है ये मंदिर, और यहाँ पे ये बच्चे लोग खेलते हैं। हैं हेलो, तो गाइस फाइनली हमारे दर्शन भी हो गए, अब हम वापस से आ गए इस मंदिर के जो मेन गेट है उसके बाहर। बट अब इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी सोमदा को यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं, मतलब हमें बहुत बिजी शेड्यूल के हिसाब से हमें ये सारे मंदिर कवर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सोमदा के बिजनेस मीटिंग्स हैं उनके वजह से भी आए हैं। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर ही करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से निपटाते सोमदा के काम, और जल्दी कल आपको फिर से मिलते हैं एक और नए मंदिर के साथ, एक और नए ऐतिहासिक मंदिर की हिस्ट्री के साथ। तो फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।